बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 2, 2x^4 इज़ इक्वल टू 9x^-4। मैं सबसे पहले इस 9x² को इक्वलिटी की दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। यहां पर प्लस का साइन है, अदर साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। और ये जो -4 है इसे भी इक्वलिटी की दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। यहां पर -4 है, अदर साइड पर जाकर ये +4 हो जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 2x^4, 9x² है। यहाँ पर साइन नज़र नहीं आ रहा, प्लस है। इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जाकर ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये बनेगा -9x² और जो -4 है, जब ये इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ये बनेगा +4 इज इक्वल टू 0। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो x² है वो y के बराबर है, तो यहाँ पर x² की जगह मैं y लिखूँगा। अगर मैं इस x² का स्केयर लूँ तो इक्वलिटी की दूसरी जानिब y मौजूद है, इसका भी स्केयर लेना पड़ेगा। x² का जब स्केयर लोगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, x^4 हो जाएगा और दैट इज़ इक्वल टू y². इट मीन्स जहाँ पर x^4 मौजूद है वहाँ पे मैं y² लिखूँगा, और जहाँ पर x^4 मौजूद है वहाँ पे मैं y² लिखूँगा, और जहाँ पर x² मौजूद है वहाँ पर मैं y लिखूँगा। तो जो इक्वेशन 1 है, सॉरी ये इक्वेशन 1 नहीं, इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं। हम लिखते हैं इक्वेशन 1 जो है ये बन जाएगी, ये हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स 2x^4 है, ये बनेगा 2y², क्योंकि x^4 y² के बराबर है। उसके बाद -9 x² है, x² की जगह मैं लिखूंगा y, तो ये बनेगा -9 y +4 इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करूंगा। तो y² का जो कोफिशिएंट है वो a बनेगा, तो a जो है दैट इज़ इक्वल टू 2, और जो y का कोफिशिएंट है वो b बनेगा, b इज इक्वल टू, y का जो कोफिशिएंट है वो -9 है, -9, और जो कांस्टेंट है वो c बनेगा, देन c इज इक्वल टू 4। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है मैं उसे लिखता हूँ, -b + -(b²-4ac)√(2a). चूँकि वेरिएबल मेरे पास y है तो यहाँ पर मैं y लिखूँगा। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, माइनस साइन अपनी जगह मौजूद रहेगा, b की वैल्यू मेरे पास है -9, तो यहाँ पर b की वैल्यू मौजूद है, प्लस माइनस b² है, इसका मतलब b की वैल्यू जो कि -9 है उसका स्केयर लेंगे, -4, a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है, इट मीन 4 × 2 × 4 divided by 2 multiplied by 2a, basically यहाँ पर a से मल्टीप्लाई, अब 2a की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 × 2। मैंने लिखा है यहाँ पर कि मैं इसे मजीद सॉल्व करता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +9 आ जाएगा, प्लस माइनस -9 का जब आप स्केयर लोगे 9 × 9 = 81, और माइनस का जब स्केयर लोगे तो प्लस हो जाएगा, -4 × 4 = 16, 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 32 divided by 2 = 4। फर्दर हम करते हैं 9 + −81 में से 32 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 49 आएगा, divided by 4। इक्विटी का साइन देते हैं, 9 + −49 का जब आप स्केयर रूट लेते हैं तो आंसर आपके पास 7 आएगा, 7/4। इट मींस एक दफ़ा 9 और 7 ऐड होंगे, एक दफ़ा 9 और 7 सब्ट्रैक्ट होंगे। मैं लिख सकता हूँ दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू 9 + 7/4, और y इज इक्वल टू 9 - 7/4,
देन वाई इज इक्वल टू 9 और 7 को जब ऐड करोगे तो 16 आंसर आएगा, 16 ओवर 4। देन वाई इज इक्वल टू 16 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, 4 वन ज़ार 4, 4 फोर ज़ार 16, वाई इज इक्वल टू 4। इस साइड को देखते हैं, देन वाई इज इक्वल टू 9 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये 2 इसका आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 4। देन वाई इज इक्वल टू 2, वन आर 2, 2 टू ज़ार 4, वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इस साइड को सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं जो y है वो बराबर था एक्स स्क्वायर के, तो जहाँ पर y मौजूद है उसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ और 4 का भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर 2 आ जाएगा। इधर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मैंने एज इट इज लिखा, दोनों साइड का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस के साइन यहाँ लगाते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट, जब 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा और जब 2 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 स्क्वायर रूट आएगा। इट मींस दैट मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह से है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट।